नमस्ते बच्चों, आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों को सीखने जा रहे हैं। बच्चों, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। इन सभी वाक्यों में विधानवाचक वाक्यों को मूलाधार रचना माना जाता है। इसी में अर्थ वैशिष्ट्य के कारण अन्य भेद बनते हैं। अब हम देखते हैं इस अर्थ के आधार पर सबसे पहले विधानवाचक वाक्य को। देखो बच्चों, जिस वाक्य में किसी कार्य अथवा काम के करने या होने का सामान्य रूप से बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं, यानी एक सर्वसामान्य वाक्य। जैसे राधिका पत्र पढ़ती है, कल जोर से वर्षा हुई, जनता ने मंत्री जी का अभिनंदन किया, स्वप्निल लखनऊ जाएगा, रमा 5वीं कक्षा में पढ़ती है। तो इस तरह के सामान्य वाक्य यानी सामान्य विधान को ही विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। अब हम देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य का दूसरा भेद। दूसरा है प्रश्नवाचक। अब बच्चों, इसे तो आसानी से समझ जाओगे। जिस वाक्य में प्रश्न चिन्ह होता है वो होता है प्रश्नवाचक। जैसे कि जिन वाक्य में किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या कार्य के विषय में प्रश्न पूछा जाए तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखेंगे, क्या तुमने अपना पाठ याद किया? निशा कहाँ जा रही है? राम कहाँ जाएगा? तुम कब जाओगे? क्या विवेक प्रतिदिन व्यायाम करता है? तो इस तरह से जो प्रश्न पूछने वाले वाक्य है, कौन, क्या, कहाँ, कब, कैसे, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और जहाँ पर प्रश्न चिन्ह होता है वाक्य खत्म होने के बाद उसे कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। वो है निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में क्रिया के न करने या न होने का बोध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इस वाक्य में नहीं, न या मत जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, यानी निगेटिव सेंटेंस होता है, वो होता है निषेध वाक्य। फिर भी हम उसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि राधा पत्र नहीं लिखती है, स्वप्निल लखनऊ नहीं जाएगा, मैं आज नहीं खेलूँगा, न जाऊँ शहरों की ओर, तुम ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ रहे हो और आज हम स्कूल नहीं जाएंगे। इस तरह के हर एक प्रश्न में नकारात्मकता दिखाई गई है, हमें उसका भाव प्रकट हो रहा है, तो ये हैं निषेधवाचक वाक्य। अब बच्चों, इसका चौथा भेद है इच्छावाचक वाक्य। यहाँ पर जिस वाक्य में बोलने वाले की इच्छा यानि जो वक्ता है उसकी इच्छा, आशा, शुभकामना या आशीर्वाद का भाव जहाँ प्रकट होता हो उस वाक्य को कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। तो देखते हैं उसके एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ पर बोलने वाला अगर किसी को आशीर्वाद दे रहा है या किसी के प्रति शुभकामनाएं दे रहा है तो किस तरह से हैं, तो आपकी यात्रा मंगलमय हो, जन्मदिन की शुभकामनाएं, ईश्वर आपको दीर्घायु दें, नया वर्ष मंगलमय हो, भगवान तुम्हारा भला करे, छात्र अधिक पुस्तक पढ़ें। तो इस तरह से यहाँ पर इच्छा, आशा, शुभकामना या आशीर्वाद के भाव हमें यहाँ पर प्रकट होते हुए दिखाई देते हैं, तो इसीलिए यह वाक्य इच्छावाचक वाक्य हैं। अब इस अर्थ के आधार दृष्टि से वाक्य के हमारा 5वां भेद है संदेहवाचक वाक्य। यहाँ पर संदेह यानी संभावना, शंका। जिस वाक्य में कार्य होने की संभावना अथवा अनिश्चित स्थिति की सूचना हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि हम
एग्जाम्पल देखते हैं, शायद मानव बीमार हो गया। यहाँ पर मानव बीमार हुआ या नहीं पता नहीं है, लेकिन शायद हमने शंका यहाँ पर व्यक्त की है, संदेह यहाँ पर किया हुआ है। दूसरा उदाहरण है, लगता है बच्चे घर चले गए, यानी बच्चे घर गए या नहीं ये अनिश्चित है। इसी तरह से यहाँ पर शायद मैं बाहर चला जाऊँगा, यानी हो सकता है तो मैं बाहर चला जाऊँगा। तो यहाँ पर भी हमने वाक्य में संभावना हमें सूचित हो रही है, अब तक रेलगाड़ी जा चुकी होगी। तो इस तरह के जो वाक्य हैं जहाँ पर संभावना है, शंका है या अनिश्चिति है उस कार्य की, तो वो होते हैं संदेहवाचक वाक्य। बच्चों हमारा अगला छठा जो भेद हैं अर्थ के आधार पर, वो हैं संकेतवाचक वाक्य। यहाँ पर जिस वाक्य में एक बात अथवा काम का होना दूसरी बात अथवा काम के होने पर निर्भर हो, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यानी कोई भी एक बात दूसरे बात के ऊपर निर्भर हो अथवा कोई कार्य यानी काम दूसरे काम पर निर्भर होता है, तो उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। कैसे? देखो, यदि तुम मेहनत करते तो अवश्य पास होते। तो यहाँ पर भी देखो, मेहनत इस कार्य के ऊपर पास होने का जो कार्य है वो निर्भर है। दूसरे वाक्य में, अगर नरेश ने झूठ न बोला होता तो उसकी नौकरी न जाती। तो यहाँ पर भी किसी बात के कारण किसी काम का उसके ऊपर निर्भर था, यानी झूठ न बोलता तो नौकरी न जाती। तो इस तरह से यहाँ पर एक बात दूसरे बात के ऊपर निर्भर थी। यदि वर्षा रुक गई तो समय पर लौट आऊँगा। तो यहाँ पर भी वर्षा के ऊपर डिपेंड है घर में लौट आने की बात। अगला है वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो यहाँ पर भी एक के ऊपर दूसरी क्रिया अवलंबित है यानी निर्भर है। तो ऐसे वाक्य जहाँ होते हैं उसे कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। अब बच्चों हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य का सातवां भेद है आज्ञावाचक। तो यहाँ पर जिस वाक्य में आज्ञा, अनुमति, उपदेश, प्रार्थना, विनती अथवा अनुरोध का भाव जहाँ प्रकट हो, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। यानी उस वाक्य में से ही किसी को आज्ञा दी है, ऑर्डर छोड़ दी है या उपदेश किया है, या तो हम विनती कर रहे हैं या तो प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे जब हमें उस वाक्य को पढ़ने के बाद बोध हो रहा हो, तो ऐसे वाक्यों को हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। हम एग्जाम्पल ही देखते हैं उसके, जैसे कि कृपया मुझे एक दिन का अवकाश दे दीजिए। यानी बच्चों यहाँ पर छुट्टी चाहिए तो विनती का, यहाँ पर विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो कृपया मुझे एक दिन का अवकाश दे दीजिए, इस तरह से यहाँ पर प्रार्थना की गई है। दूसरा उदाहरण है, बच्चों पाठ को पढ़िए, यहाँ पर आज्ञा दी है। दरवाज़ा बंद कर लोगे, यहाँ पर भी क्या हुआ है, आज्ञा ही या प्रार्थना कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं। तुम अपना गृह कार्य पूरा करो, यहाँ पर क्या हुआ है, उपदेश दिया है। आप जा सकते हैं, यहाँ पर अनुमति दे दी है। तो इस तरह से ये वाक्य जो हैं इन वाक्यों के ऊपर ही तय हैं कि ये आज्ञावाचक है वाक्य, जहाँ पर आज्ञा, अनुमति, उपदेश, प्रार्थना दी गई हैं। तो बच्चों इस तरह से आज्ञावाचक वाक्य की पहचान है। अब हम देखते हैं हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य का आठवां भेद। तो बच्चों इस पाठ का हमारा आखिरी आठवां भेद है विस्मय वाचक वाक्य। बच्चों बहुत आसान है इसे समझना और पहचानना। यहाँ पर एक्सप्लेनेटरी मार्क्स
जहाँ भी आता है वो होता है विस्मयवाचक वाक्य। जैसे कि जिस वाक्यों में हमें आश्चर्य, घृणा, हर्ष, शोक आदि के भाव जहाँ पर प्रकट होते हैं, उन्हीं वाक्यों को विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि देखो, अरे बारिश हो रही है, ओ बड़ा अन्याय हो रहा है, शाबाश क्या अच्छा लिखा है, वाह कितना सुहावना मौसम है, हाय उसे गहरी चोट आई है। तो इस तरह से यहाँ पर आश्चर्य है, शोक यानी दुख भी है, आनंद भी है। तो यहाँ पर ऐसे जो वाक्य होते हैं उसे कहते हैं विस्मयवाचक वाक्य, और जहाँ पर विस्मयादि बोधक का चिन्ह आ जाता है वो होता है विस्मयवाचक वाक्य। बच्चों, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के इन 8 भेदों को तो हमने यहाँ पर सीख लिया है। उसके तरीके उदाहरण से हमने देखे हैं कि उसको पहचानना बहुत ही आसान है चुके हैं। तो बच्चों, यहीं पर हमारा अर्थ की दृष्टि से वाक्य के वेदों का पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।